नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। मंगलवार को फार्म बिल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाने और 4 सदस्यों की कमेटी के गठन के बाद माना जा रहा था कि प्रदर्शनकारी किसानों के रोष में कमी आएगी और कहीं न कहीं केंद्र और किसानों के बीच सहमति बनेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पर 90,000 से ज्यादा ट्वीट के साथ हैशटैग फार्मर्स रिजेक्ट SC कमेटी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें यूजर्स इस कमेटी का विरोध कर रहे हैं। कमेटी के गठन के बाद किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी उन्हें मंजूर है और वो कमेटी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि कमेटी के चारों सदस्य कृषि बिल का समर्थन करते हैं और वो कृषि कानूनों में मामूली बदलाव कर उन्हें लागू करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही कृषि कानून पर कमेटी सदस्यों के इंटरव्यूज भी शेयर किए जा रहे हैं, जो बीते महीनों में उन्होंने मीडिया आउटलेट्स को दिए थे। शेतकरी संगठन के अनिल घनवट का हिंदू बिजनेस लाइन को दिए इंटरव्यू में कहना है कि कानूनों को वापस लेने की बजाय उसमें अमेंडमेंट कर देना चाहिए। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश्ड आर्टिकल में कहना है कि अपोजिशन और पंजाब के फार्म लीडर्स को मिसगाइड किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए, लेकिन ये किसानों के हित में नहीं है और सरकार को इसे लाना चाहिए। रिसर्चर डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे आर्टिकल में कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदर्शनकारी किसान हर बातचीत से पहले अपनी मांगे बदल रहे हैं और फार्म बिल को वापस लेना किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए विनाशकारी होगा। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह मान ने द हिंदू अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि एग्रीकल्चर को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए रिफॉर्म जरूरी है, साथ ही किसानों को बचाने के लिए सुरक्षा उपाय भी जरूरी है। जबकि इधर किसानों की मांग है कि कानून में बदलाव होने के बजाय उन्हें वापस ले लिया जाए। आज बुधवार को किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपीज को जलाकर लोहड़ी मनाने का फैसला लिया है, साथ ही 26 जनवरी को गणतंत्र किसान परेड निकालने की बात भी कही जा रही है। KYNPost.com की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।